गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों हम अपने सेकेंड चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 23 आप लोग निकाल लीजिए। यहाँ पर हेडिंग डली हुई है, भव्य मंदिर और कांस्य की मूर्ति कलाएं। बच्चों यहाँ पर हमारे चोल साम्राज्य के अंतर्गत चोल जो राजवंश था, जिसके संस्थापक विजयराज थे और जिस विजयालय थे और जिसके महान शासकों में राजराज प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम का हमने नाम पढ़ा था, इनके द्वारा बहुत से मंदिरों का निर्माण किया गया था। इन मंदिरों की भव्य मंदिरों की और इसकी अंतर्गत बनाई गई मूर्तियों का हमारे द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार थे। स्थापत्य कला होती है बच्चों, ये जो बिल्डिंग बनाने की कला होती है इसे स्थापत्य कला कहते हैं और मूर्तिकला मूर्ति बनाने की कला को कहते हैं। देखो यहाँ पर नीचे एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर को देखो, नीचे की साइड तो कितना लंबा चौड़ा है, चौकोर सा बना हुआ है और ऊपर जाते जाते ये बिल्कुल छोटा सा जैसे गुंबद टाइप का हो जाता है ना, उस तरह का हो गया है। यहाँ पर साइड में इस मंदिर की के बारे में कुछ जानकारी दे रखी है, पहले अपन उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर अपन भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ चित्र 3 जिसमें गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर दिखाया गया है। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है, पतली से मतलब लास्ट के अंदर छोटी सी सकड़ी सी होती गई है, उस पर गौर कीजिएगा। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई है उन्हें भी ध्यान से देखो। देखो ये मंदिर के बाहर से ही लिया गया चित्र है। इसमें कितनी सारी मूर्तियाँ लगी हुई है बच्चों, बाहरी दीवारों पर ही कितनी शानदार काम किया हुआ है। ये सब देखने लायक कार्य होता है। इन मूर्तियों को, इस स्थापत्य कला को निर्माण में कई हजारों कारीगरों को लगाया जाता था। उनकी रोजी रोटी इन मंदिरों के सारे चलती थी। फिर इसके बाद फिर मंदिरों में जो पुरोहित होते थे, बगीचे होते थे, बहुत बड़े मंदिर जो थे भारत में, स्थापत्य कला और मूर्ति कला के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक धार्मिक के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के भी केंद्र बनते जा रहे थे। पढ़े अब इसके बारे में। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। बस्तियां जो उसके आसपास रहती थी ना, मंदिर के आसपास, उसके केंद्र बन गए थे। ये शिल्प उत्पादन के भी केंद्र थे। शिल्प कहते हैं शिल्प कला को। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। मतलब जो राजा होता था उसके द्वारा भी इन मंदिरों को बहुत अधिक सहायता प्रदान की जाती थी और जो उस क्षेत्र के आसपास रहने वाले बड़े बड़े सेठ होते थे या जो पैसे वाले लोग होते थे वो भी मंदिरों में बहुत अधिक चढ़ावा या सहायता प्रदान करते थे, जिससे ये मंदिर क्या हो गए थे, संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों के निर्वाह में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास ही रहते थे और उनके लिए काम करते थे। मंदिर में जो काम करने वाले थे और जो मंदिर के आसपास रहने वाले थे उनके सारे खर्चे यहाँ पर इस सहायता से पूरे हो जाते थे, जिसके अंतर्गत पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नृतक इत्यादि सम्मिलित थे। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे। जो बात मैं आपको बता रही थी वो बातें यहाँ पर आपके आ गई हैं। वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल शासकों के द्वारा ये जो मंदिरों में कांस्य की प्रतिमाएं बनवाई जाती थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिमाएं थी और फिर वह चोल शासक इन प्रतिमाओं को बनवाने के कारण आज भी विश्व में बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं।
चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनवाई गई थी अब हमारा जो टॉपिक है बच्चों, ये भव्य मंदिर और इसके अलावा मूर्तिकला के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा कृषि और सिंचाई दिया हुआ है। कृषि शब्द से आप परिचित हो, जिसके अंतर्गत खाद्यान्न और अखाद्यान्न दोनों प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। और सिंचाई के अंतर्गत सिंचाई के साधन आपको पता ही है कि सिंचाई के साधन जो होते हैं, नहरें होती हैं, तालाब होते हैं, कुएँ होते हैं, ये सारे के सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। दक्षिण भारत में बहुत सारी नदियाँ वहाँ पर बहती थी। अब हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। चोलों की कई उपलब्धियाँ कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई थी। मानचित्र 2 को ध्यान से देखिए, गौर कीजिए। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। ये शाखाएँ बार बार पानी उलीसती से मतलब जैसे ही नदी में पानी का भाव आता है वैसे ही इनमें तेज़ी से बहाव बढ़ता है, तो मिट्टी अपने साथ जो लाती हैं वो छोड़ देती हैं वहाँ पर उस भूमि पर, और बाकी की आपके आगे फिर पानी बहकर निकल जाता है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु में दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, परंतु 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई थी। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ भी किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल भी किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध भी बनाए गए थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण भी होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। बच्चों, यहाँ ये जो कांस्य की प्रतिमा दिखाई दे रही है, इससे संबंधित कुछ जानकारी नीचे की साइड में दी हुई है। पहले हम उसको पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। चित्र 4 जो दे रखा है, ये एक चोल कांस्य प्रतिमा का है, मतलब चोल शासकों के द्वारा बनवाई गई कांस्य प्रतिमा का ये आपके चित्र दे रखा है। कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया, देखो इस चित्र को ध्यान से यदि आप, तो देखो कितनी सुंदर प्रतिमा है, जिसमें उसके अंतर्गत आभूषण भी पहनाए हुए हैं, वस्त्र भी पहनाए हुए हैं, और फिर सब चीज़ों को अलंकृत किया गया। अलंकृत मतलब सजाया गया है, कितना अलंकृत किया गया है इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमाएँ किस तरह से बनाई जाती थी, यह जानने के लिए हम अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज 25 का अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 25 पर आपके दे रखा है कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। सरोवर से अभिप्राय यहाँ पर तालाब से है, तालाब जिसे अपन कहते हैं। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना और इन कामों की देखभाल करना और ये तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों और साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई थी। बच्चों, साइड में एक ये जो चित्र बना हुआ है, उस चित्र से संबंधित कुछ जानकारी दे रखी है। पहले हम उसका अध्ययन कर लेते हैं, फिर नए टॉपिक को देखेंगे। यहाँ ये जो चित्र बना हुआ है, इसमें कोई नदी का ही बहुत बड़ा भाग दिखाई दे रहा है, जिसमें लैडर टाइप की जो आपकी सीढ़ियाँ होती हैं उस तरह से कुछ बना हुआ है। किसका है ये, हम इसमें पढ़ने पर जानकारी मिलेगी। चित्र 5, नवी शताब्दी। तमिलनाडु का एक जल का द्वार, हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था।
इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। अब हमारे द्वारा आज के लिए इतना ही पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का चैप्टर अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।